कोरोना वायरस के समय में कितना बिहार से बाहर लोग हैं किसी को पता नहीं, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख का डाटा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है करोड़ों की संख्या में वहाँ पे है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया अब तक। जो हमारे बिहार के लिए बहुत सारा धन कमा के दूसरे राज्य से ला के देते हैं, लेकिन उसके जब जरूरी पड़ता तो उस समय हम कहीं खड़ा नहीं रहते। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर स्टेट में, दूसरे राज्य में हम बिहार भवन बनाने का काम करेंगे, और दूसरे राज्य में जहाँ पे भी हमारे प्रवासी मजदूर भाई हो या बिजनेसमैन हो, जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य में उनके सारे जानकारी, उनके सारे सिस्टम हमारे पास रहेंगे, उनको हर जरूरी के समय में उनको हर तरह का मदद हम करने का काम करेंगे। जिस तरीके से भारत का एम्बेसी दूसरे देशों में है, उसी तरीके से हम बिहार के लिए बिहार भवन बनाने का काम करेंगे दूसरे राज्य में, ताकि हमारे बिहार राज्य से महाराष्ट्र में हो या राजस्थान हो या गुजरात हो या चेन्नई हो या बंगाल हो, कहाँ पे किस तरीके से हमारे लोग कितने मजदूर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, किस तरीके लोग वहाँ पे काम करते हैं, और उसको हर तरह का हम लोग मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं भी मुंबई में रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोकल लोगों का वर्चस्व होता है, गरीब लोग हैं उससे काम करा लेते हैं, उनको समय आने पर उनको तनख्वाह नहीं मिलता है, और ये मजबूरी और ये समस्या हमारे तमाम बिहार के जो भी साथी हैं उनके साथ निश्चित तौर पर ये होता है, लेकिन वहाँ पर उनके सामने खड़ा रहने के लिए कोई भी नहीं रहता है। तो हम लोग आने वाले समय में बिहार सरकार के तरफ से हम लोग हर राज्य में पदाधिकारी नियुक्त करके हर समस्या का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे हमेशा खड़ा रहेंगे, हमारे लोगों के साथ कभी भी अन्याय नहीं हो, उसके लिए हमारा बिहार सरकार हमेशा मजबूती से काम करे। आने वाला पीढ़ी या आने वाला जनरेशन दूसरे राज्य में जाके इस तरीके से मेहनत मजदूरी करे, अपने घर परिवार को छोड़ कर जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सही हो, ताकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार में आके फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में रहेंगे। आज कहीं ना कहीं आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सही नहीं है, और इसके कारण है जो लोग भी बिहार में भी सक्षम व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति है, वो आज कहीं ना कहीं मुंबई, दिल्ली या दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ पर अपने काम को कर रहे हैं। आज बिहार में इस पर काम करने की आवश्यकता है। आपको पता हो कि भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपया का इम्पोर्ट किया जा रहा है, दूसरे देशों से सामान को मंगाया जा रहा है और भारत में उसका खपत होता है, लेकिन इसमें गुजरात या महाराष्ट्र या चेन्नई या दिल्ली, ये सब राज्य काफ़ी आगे हैं और बिहार में जीरो है, बिहार में इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले समय में सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे, तो हम लोग इस पर बढ़ावा देंगे, ताकि बिहार में जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 50,000 करोड़ का भी इंपोर्ट अगर हम बिहार में कराते हैं तो हमको लगता है कि 18,000 करोड़ रुपया हमें टैक्स के तौर पे हमें बिहार सरकार को मिलेगा, और बिहार सरकार के पास 18,000 करोड़ टैक्स अगर आता है तो राज्य सरकार को 9,000 करोड़ टैक्स होता है, 9,000 करोड़ का शेयरिंग जो है केंद्र सरकार का होता है। तो हमारे बिहार में खास करके हमें बिहार में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ऐसे ऐसे काम को करना पड़ेगा। जो बाहर जो हमारे बिहारी भाई है वो दूसरे राज्य में जाके इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को निमंत्रण देके बिहार लाना पड़ेगा। जब मैं मुंबई में था तो मैं भी ये काम मुंबई में रहकर करता था, लेकिन इसका फायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होता था। उसी तरीके से हम चाहेंगे कि जो बिहारी हमारे बिहारी भाई है जो दूसरे राज्य में बिजनेस कर रहा है, उसको हर तरह का सुख सुविधा दे, उनको जान माल का सुरक्षित करे, ताकि वो बिहार में आके रोजगार करेंगे, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे काम मिलेगा। लेकिन ये विजन के साथ कहीं ना कहीं आपको काम करने की आवश्यकता है, लोगों को रोजगार मिले, बिहार में रहे, अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार के लोगों के बीच में रहे और यहाँ पे रोजगार करे। आज मुझे तकलीफ हुआ जब हम 18 साल की उम्र में, छोटी उम्र में दूसरे राज्य में जाकर रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो वहाँ आया कि लोग जहाँ थे वहाँ फंस गए, खास करके बिहार से बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे राज्य से दूसरे राज्य में आज रोजगार करने के लिए गए थे। और उस समय आपने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के लोग, खास करके मजदूर भाई दूसरे राज्य में परेशान थे, और उनको कहीं ना कहीं हर तरह का समस्या हो रहा था, खाने पीने रहने का हर तरह का समस्या हो रहा था। वहाँ पर मजबूती से वीआईपी पार्टी हर संभव, जितने भी प्रवासी मजदूर था उनको हर संभव मदद करने का हमने काम किया, और साथ में बिहार प्रदेश में हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी अलग अलग जिला में मजबूती से काम करने का काम किया। वही जगह पे आप सरकार का अगर स्टेटमेंट देखें तो 15 साल बिहार में सरकार चलाने के बाद भी सरकार के तरफ से हाथ उठा लिया कि हमारे पास
विधि व्यवस्था नहीं है, हम सामर्थ्य नहीं है, हम बाहर में जो हमारे बिहार के मजदूर भाई फंसे हैं उनको नहीं ला सकते। आप बताइए आपके राज्य में कैसी सरकार है और आपकी कैसे सरकार है जो आप दूसरे जगह फंसे हैं सिर्फ उनको लाने के लिए सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया कि मेरे पास संसाधन नहीं है, ऐसी सरकार आज नीतीश कुमार जी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर में बिहार को सोचने की आवश्यकता है। हमने बहुत विकास किया, जब 2005 में बिहार के ऊपर 39,000 करोड़ कर्ज था और आज ये बढ़कर 1,68,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया, यानी कि आप 15 साल में 1,25,00,000 करोड़ रुपया से अधिक आप कर्ज लेकर बिहार को चलाए हैं। आप कैसा विकास किए, आज लोगों को हर एक व्यक्ति को ऊपर 15,000 रुपये का कर्ज आपने चढ़ा दिया, ये कैसे विकास है। आज खास करके बिहार में शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे तो आज हमारे बिहार में 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक है, उनके वर्षों से लड़ाई है समान काम सामान्य वेतन और सरकार इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। आज हमारा निश्चित तौर पे बिहार के तमाम शिक्षक के साथ हम खड़े हैं और मेरा मानना है कि बिहार में समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और शिक्षक के संघर्ष के साथ हम खड़े हैं। और आज देखिए कि बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षक को बहाली का उन्होंने निर्णय लिया है, उसके लिए प्रक्रिया उन्होंने चालू किया, यानी कि बिहार के 25% जो शिक्षक अभी है 4 लाख उसमें 96,000 शिक्षक का बहाली वो करने के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी राजनीति वो कहीं ना कहीं बिहार के साथ कर रहे हैं और बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज बताइए ये 94,000 शिक्षक आज का आज ही खाली तो नहीं हो गया, ये पूर्व से ही खाली था, तो जगह आप खाली था तो हर साल आप 5-5, 20-20 हज़ार लोगों को भी अगर नौकरी देते तो बिहार में हमारा शिक्षा का बेहतर पहला ये पॉलिटिकल पार्टी है जो खास करके अति पिछड़ा समुदाय के लिए बिहार में 33% हमने आरक्षण अपनी पार्टी में लागू किया, जो हमारे पार्टी चुनाव के समय में 33% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम करेगा और उनको टिकट देने का काम करेगा ताकि चुनाव लड़ें। हमने कई पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या 33% रहने के बावजूद भी अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं जगह मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उस समाज में जागरूकता नहीं है और क्षमता नहीं है और आर्थिक तरह से मजबूत नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब तक आप उनके ऊपर जवाबदेही नहीं दीजिएगा तो कैसे उनके पास क्षमता आएगा। तो आज हमने अपने जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी को हमने अपना आदर्श माना, अब बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए उनको कुछ देने का अगर काम किया तो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने देने का काम किया, आज उन्हीं का विचार को मैं आगे लेके जाऊंगा और बिहार में खास करके निषाद के साथ साथ अति पिछड़ा समाज SC ST हो इन तमाम साथी को या सामान्य वर्ग के लोग हो उन सबको आगे उनके मुकाम को हासिल कराने का हम लड़ाई करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज बिहार में अगर हम सरकार की बात करें मौका मिला और मजबूती से बिहार में 2019 के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हमें कहीं ना कहीं असफलता हासिल हुआ, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ हमारे रणनीति का चूक है और कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल पे जागरूक नहीं रहे इसका कारण रहा कि हमें असफलता प्राप्त हुआ। लेकिन जोश और जुनून तमाम पूरे बिहार में निषाद समाज के हर युवा साथी में उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार में 2014 में हमें प्रेरित किया कि बिहार में आप निषाद समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। तो निश्चित तौर पे हमने लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम को हमने पाया है। उसके बाद लोकसभा के बाद हमें लगा कि और मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके बाद हम लोगों ने एक उपचुनाव हमने लड़ा 2019 में ही सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में, खास करके सहरसा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी और सिमरी बख्तियारपुर के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय साबित कर दिया कि बिहार के तमाम निषाद समाज सन ऑफ मल्ला के इशारे पे और VIP पार्टी से आस्था विश्वास रखते हैं और VIP पार्टी के लिए करने मरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और उस उपचुनाव में हमने अपनी पार्टी में अकेले दम पे चुनाव लड़ा और वहाँ पे 25,000 से अधिक वोट लाने का काम किया और कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है कि बिहार में हमारे अपने दम पर पार्टी नई एक साल पुरानी पार्टी को 15% वोट मिलना ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और उस रोज से हमें लगा कि निश्चित तौर पे इस समाज के लिए और इस पार्टी का जो आंदोलन है उसके लिए हमें संघर्ष करना है। आज हमारी मुख्य
लड़के निशा समाज को आरक्षण दिलाना, क्योंकि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां से ही हमने परिवर्तन लाया, एक पॉलिटिकल पार्टी बना के, और बिहार में हमने देखा हजारों समस्या है, आज हमने निश्चित कर लिया कि बिहार में निशा समाज के साथ साथ पूरे बिहार के युवा के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित समाज के लिए, हक अधिकार के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहे।